पूरे वाह, कितने सेब रखे हुए बच्चे। ध्यान से उठा ना थोड़ा सा। हाँ जी, ये देखिए सीधा है। अभी मैं दिखाता हूँ ये किस लेवल तक फंस चुकी है। चेम्बर तक इसका धस चुका है। देखो टायर में से वो निकल रही है धुआं। दिल बंदूकी जो सद लश्करी जो सद बंदूकी जो सद लश्करी जो। ओ ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर टूटा। वो देखो सामने कार टूट रहा है भाई, गिर गया नीचे। अब वो जो सामने दिख नहीं रहा है। हाँ। वहाँ से सारा ये स्नो हो गया था अभी। हाँ, हाँ मैं वीडियो बनाई है, आपको दिखाऊंगा अभी। आवाज आई जैसे बादल गरजने की आवाज नहीं आती। हाँ, हाँ। वैसी आवाज ऐड करके आई है। जिस होटल में मैं रहा हूँ, मेरा रूम है, एक बार बर्फ के बीचों बीच है। ये ड्रोन शॉट भी लेके दिखाऊंगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से गेट चालू है तो घुसते ही ये मेरा बेड है। यहाँ मैं सोया, अक्षत भाई का दूसरा रूम था, अक्षत भाई वहां सोए। और ये वॉशरूम है, ठीक है। इतनी ठंड है वॉशरूम में, हम वॉशरूम यूज नहीं कर पाते क्योंकि इसका पानी जम जाता है ना। हाँ, सारा तो नीचे अलग ही जाना पड़ता है वॉशरूम के लिए। तो ऐसी ही हमारी गुड मॉर्निंग हुई है। ये देखो अंदर करूंगा तो पहाड़ी पहाड़। तो बाहर आते हम। वाओ, ये देखो पीछे देखो, पूरा क्या पूरा बर्फ ही बर्फ, स्नो ही स्नो है। ये देख रहे हो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और पहाड़ों में ये होमस्टे ही बना रखे लोगों ने। इनका होमस्टे भी है ना, ये तुम बगल वाले में रहते हो। अच्छा, ये होमस्टे में रहते, मैं उस होटल में। ये थोड़ा ज्यादा वार्म होता है, लकड़ी का है ना। हाँ हाँ, ड्रोन शॉट से इस जगह के देखा आपने। तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, और आज का दिन बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि हम और आगे जाएंगे और थोड़ी थार्स ऑफ रोडिंग भी करेंगे स्नो में। फिलहाल हम वहाँ जा रहे हैं उस जगह ब्रेकफास्ट करने। तो वेट कर रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो यहाँ ऐसे करना पड़ता है, उधर पानी इतना ठंडा है यहाँ नहीं आ रहा। अपना कभी भी वही से कर लो, कुल्ला कर लो, कर लो जी, कोई दिक्कत नहीं। ये हुई ना बात, ये देख रहे हो इस कैंप में फुल सुविधा है सारी। वाह वाह, हमारा आ गया ब्रेकफास्ट। क्या क्या लाए हो ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में ये लाए जी, क्या कहते हैं, परांठे, कॉफी और अचार। अभी दही लाऊंगा जी। अच्छा, दही भी लाओगे? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, हाजमा खराब तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। भाई आप थोड़ा परांठा खाए, कैसे टेस्ट करते हैं? दही के साथ तो एक नंबर लग रहा है। और ऐसे व्यू में मतलब ब्रेकफास्ट करना ऐसा लग रहा है कि क्या बताऊँ कैसा लग रहा है। और ये मैंने इतनी मेहनत करके इग्लू बनाया, मेरा इग्लू तो देखो यार। ओ ओ ओ, इग्लू गया, इतनी मेहनत से इग्लू बनाया था। रो गया बच्चा, रो गया। रोना नहीं, दोबारा बना दे बेचारा। कल से बना रहा है इग्लू। क्या नाम है तेरा? उत्सल। ये क्या हो गया, ब्लंडर क्या हो गया दोस्त? तोड़ दो, पूरा ही तोड़ दो। ये जो छोटे से प्यारे से बच्चे थे, तो अपने इनका बगल वाला घर है, तो ये अपनी नानी के घर आए थे। तो ये कहते हैं आपको भेड़ के बच्चे दिखाते हैं, हम तो 11 बच्चे हैं। मैंने चलो दिखाओ, आओ काली वो ढोल का। अच्छा, ये वो ढोल इस माशे ने रखा ढोल का। पूरे वाह, कितने सेब रखे हुए हैं बच्चे। ये देखो कितने अंदर रखे हुए हैं बच्चे इन्होंने संभाल के। कितने कौन सा? ये सबसे छोटा वाला हमारा। अच्छा, ये देख रहे, उठाना आपने। हाँ दे दे, आप उठाएंगे? हाँ, ध्यान से अच्छा इनका टीवी करते हैं। ध्यान से उठाना थोड़ा सा। हाँ हाँ जी, ये देखिए क्या पूरा हुआ है। अच्छा, सीधा कर लो इसको ना। इसको हम लोहल में पता कैसे पकड़ते थे? कैसे? भिड्डुओं को पकड़ने का स्टाइल होता है। अच्छा, क्या स्टाइल है? जैसे पहले भिड्डुओं को ऐसे करना ना, इनको ऐसे यहाँ से पकड़ना। अच्छा, ये होता है इनको पकड़ने का स्टाइल।
फिर ये एकदम प्यार से बैठते हैं। कितना क्यूट है छोटा सा। कितने साल का हो गए? ये 2-3 महीने का होगा। 2-3 महीने का? इतने बाल भी आ गए इसके? बाल आ जाते हैं। क्या बोलते हो? कुत्ता। कुत्ता। तो भाई कितने सारे बच्चे हैं ये देखो। ये देखो। ओ भाई कितना सॉफ्ट बाल है इसके। ये देखो इसके मारता भी है। नहीं नहीं वो उनकी माँ वगैरह मारते है ना। उनकी माँ मारती है? हाँ वो उनको ऊपर रखते हैं। कितना प्यारा है यार ये बहुत प्यारा होता है। ये सबसे छोटा है ना हमारा। इसको फिर निप्पल से पिलाते हैं हम लोग दूध। अच्छा पिलाया तुमने? मैं तो नहीं पिलाया, मेरी नानी जी ने पिलाया होगा। हाँ ये ले ले। हाँ तो इसमें क्या है, अभी हम बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। पटाखा इन बच्चों के पटाखे हैं तो देखते हैं पटाखा कैसे फूटता है बर्फ में। ऐसे ऐसे डाल डाल दे पड़ दे पूरा डाल दे पूरा। जय श्री राम बोल दे एक बार। जय श्री राम। चलो भागो भागो भागो। ओए बाप रे मुंह में भर भाई। मुंह में भर भाई। वाह बाप रे। गाइस मैं नहा धो के तैयार हो गया और अब हम जा रहे हैं थोड़ी ऑफ रोडिंग करने स्नो में, है ना? क्या कहते हो भाई जी? और सबसे पहले थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा स्टे था, बहुत अच्छा खाना था, वेज नॉन वेज दोनों था। किस नाम से आपका स्टे? होटल यूनिकॉर्न। होटल यूनिकॉर्न। सब अक्षत भाई करेंगे ठीक है, इनको कॉन्टेक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल डाल दूंगा। तो अब चलते आगे। तो मेरी थार का हाल देखो भाई, पूरी ऊपर से नीचे तक पूरी भर गई है। ये देखो कितनी मोटी मोटी कीचड़ है। इस देखो अभी मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ और जैसे मैंने मारा सेल्फ, देखो कैसे सांस ले रहा है इंजन घट घट। अभी देखो उसमें से स्मोक भी निकल रहा है देखो। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं पहाड़ों पे ऊपर थोड़ा ऑफ रोडिंग करने, बर्फ में स्नो में। ऊपर वाले विलेज में जाना है, वहाँ जो विलेज देख रहे होगे आप, देख रहे हो ऊपर पहाड़ एकदम बर्फ में, वो सोच रहे हैं वहाँ जाएं। ओ भाई 4x4 लगा है भाई। ये देखो ये देखो हमारी गाड़ी फंस चुकी है। तो गाइस ये देखो टायर में से वो निकल रही है धुआं, ये टायर घूम रहा है बट उस साइड का टायर नहीं घूम रहा। ये देखो ये ऐसे ही बंद पड़े हैं और पहला गियर लगा हुआ है। रोक लेता हूँ टायर ना ज्यादा घिसना जाए, बहुत ज्यादा बदबू आ रही टायर की। अभी मैं दिखाता हूँ ये किस लेवल तक फंस चुकी है। देखो आगे जाएंगे तो पूरा तेरी भैंस की आंख, देखो पूरा पैर अंदर गया मेरा, तो पूरा चेंबर तक इसका धस चुका है। अभी हमने लगा दिया है, पूरे पत्थर लगा दिए यहाँ गाड़ी के टायरों के पीछे। ये देखो अब एक ट्राई करते हैं। इतने मैंने रेडबुल ठंडी होने के लिए रख दी थी, ये शायद ठंडी हो चुकी है। बट यार ये वाला व्यू देख रहे हो, मिलियन डॉलर व्यू है यार। देखो बादल कैसे चलते हैं, देखो बहुत स्पीड से लगता है बादल, और झरना कैसे, मतलब अलग ही लेवल की फील आ रही है यार। यहाँ पे अभी एक कैंपर वैन आई है, तो अब शायद देखते निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। निकल जाएगी? निकले निकले निकले। ओ ओ शिट, टूट गई टूट गई टूट गई, दो रस्सी टूट गई। अब इस टाइम मेरे को डर लगने लगा है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4:30 और मेरे को बहुत आगे जाना था, बट शायद प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। अब हमें वापस मनाली की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि अटल टनल भी 6 बजे तक बंद हो जाती है। अगर 6 बजे तक अटल टनल तक नहीं पहुँचे तो हम मनाली भी नहीं जा पाएंगे और आज रात भी हम यहीं फंस जाएंगे। अब देखो 4:30 बज रहे हैं क्या होता है। तो अभी सीन ऐसा है, इसके नीचे से भी हमें बर्फ़ साफ़ करनी पड़ रही है और ये रस्सी बहुत ज़्यादा मोटी कर दी। अभी देखो कितनी हार्ड होगी अभी। तो ये खुद ही निकल गई, खुद ही निकल गई। चलो 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 आगे 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 आगे। क्या अभी नीचे से जितनी बर्फ़ साफ करी है, आगे 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 आगे। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलो कैंपर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी बट जितने भाई आए थैंक यू सो मच भाई जी। फाइनली हमारी गाड़ी निकल गई और अब हम जा रहे हैं अटल टनल के पास। अब देखते हैं कि वो खुली होती है कि नहीं होती, फिर हम शायद आगे मनाला जाएं या तीर्थन वैली जाएं। देखते हैं बट मेरे सामने नज़ारा देखो, देख रहे हो पूरा नीला आसमान और वहाँ नीचे वो पूरी नीचे लेक है जो आगे से आ रही है यार। ये देखो पूरी बर्फ ही बर्फ, कितना प्यारा लग रहा है यार। वहाँ से पूरी रिवर आती हुई
moments later. बिल्कुल ऊपर पहाड़ी पे आ गए हैं, ग्रीन फॉरेस्ट कैफे. यहाँ पे मोमोज बहुत अच्छे मिलते हैं, है ना? मनाली के बेस्ट मोमोज है भाई. मनाली के बेस्ट मोमोज. अभी आ गए हैं मोमोज और काफी चीजें स्पेशल आई हैं. तो ये कह रहे थे ऐसे जो मोमोज है पूरे मनाली में नहीं मिलते हैं ना. मनाली के बेस्ट मोमोज है. अरे तो ट्राई करते हैं. तो पहले चटनी देखते हैं, दो टाइप की आएगी चटनी. कैसे हो रहा भाई? भाई भरा हुआ मोमोज बहुत अच्छा. तो ये फीलिंग है इसकी, कुछ ऐसी फीलिंग है. सारी सब्जियां डाली हुई हैं. जो मोमोज मंगाए वो दो टाइप के हैं, स्टीम और फ्राई. फ्राई वाले मैंने आपको टेस्ट करा दिया, अब बारी है स्टीम वाले की. तो काफी बड़ा है, पहले तो देखने में देखो कितना बड़ा है. अल्टीमेट. बट मेरे को फ्राई वाले ज्यादा बेटर लगे स्टीम के मुकाबले. तुम्हें? हाँ, फ्राइड वाले ही ज्यादा सही लगते हैं, है ना? मेरे को भी. और जो देवता जा रहे हैं, इनके देवता चामुंडा माता का रथ है. अच्छा, तो एक बार रथ पास से दिखाता हूँ. इनकी ट्रेडिशनल परंपरा है कि ऐसे रथ पे निकालते हैं इनके देवी देवता. मोस्टली हर हिमाचल में हर उसमें जगह है, हर गांव में, हर गांव में, हर गांव में देवता होता है. हर गांव में अलग अलग अपने अपने देवता होते हैं इनके, और ऐसे ही रथ पे ले जाते हैं. और आजकल ना फागली लगी हुई है. फागली क्या होता है? फागली एक फेस्टिवल है यहाँ पे ना. अच्छा, तो सारे जैसे इकट्ठे होते हैं गाँव वाले, देवी देवता भी. मतलब एक ट्रेडिशनल होता है, देवी देवता निकलते हैं इधर उधर जाते हैं, ऐसा है. किसी के घर जाते हैं, बुलाते हैं कोई लोग, शुभ मानते हैं. अच्छा अच्छा. तो अभी हम आए मम्मूदा ढाबा कुल्लू में. यहाँ से हम खाना पैक करेंगे और फिर खाना अल्टीमेट. तो हम जा कर रहे हैं अभी तीर्थन वैली. तीर्थन वैली जाएंगे अब, और रात में पूरा वहाँ पे हमारा स्टे है. फिर कल हम वहाँ पे घूमेंगे. कौन कौन सी जगह हम ले जाएंगे आपको? जीबी वाटरफॉल, जलोड़ी पास, सब जगह घुमाएंगे. तो वो चीज़ नहीं देखने की, क्योंकि अक्षत मेरे को बता रहा था. तो वहाँ आजकल बताया था टूरिस्ट मनाली कम जाते हैं, वहाँ ज़्यादा जाते हैं ना, जलोड़ी पास. हाँ, तो वो चीज़ अच्छी है, देख के आते क्या है. जाते आते एक टनल आई है, टनल में जा रहे हैं. टनल काफ़ी बनने लगी है मनाली में, और मैं देख रहा हूँ कि भाई ऊपर एक और टनल आ रही है जो सीधी चंडीगढ़ तक जा रही है, जो हमारे दो तीन घंटे रास्ता बना देगी. बहुत सारी टनल्स है भाई जो बन रही है. अच्छा अच्छा. गाइस, हम तीर्थन वैली जो जा रहे हैं उसका रास्ता देखो, घरों के बीच में से हो के जाता है, और कुल्लू से तीन दो घंटे का मान के चलो, है ना, दो घंटे का रास्ता. और देखो कैसे कैसे आता है, मतलब दो गाड़ियां मुश्किल से निकल पाए, और ऐसे ही आपको चलना पड़ेगा 15-20 किलोमीटर. ये जो जगह है ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, तो ये वाला व्लॉग पूरा देखना, क्योंकि शायद ही यूट्यूब पे इसकी वीडियो होंगी, लेकिन लिमिटेड होंगी और इतनी डिटेल में नहीं होंगी, क्योंकि मेरे साथ जा रहा अक्षत, ये पूरा लोकल है, तो ये पूरा घुमाएगा मेरे को, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएगा जो शायद ही किसी ने दिखाई हूँ. ना इंसान है ना इंसान की जात. और अभी हो रहे हैं 11 बज रहे हैं, 11 बजे क्या हाल है देखो. ये रोड देखो कितना स्लोप है, देख रहे हो, मतलब अलग ही चीज़ है. और पूरी लैंडस्लाइड भी हो रखी है यहाँ पे. ये देखो, ये अभी बनाया इन्होंने राइट साइड में जो रेलिंग सी है. रोड इतनी पतली है कि बस एक ही बंदा जा सकता है एक टाइम पे, अगर दूसरी गाड़ी आए तो साइड में लगानी पड़ती है. कैंप देखो पहाड़ों में कैसे, और ये रास्ता देखो. सद लश्करी जो सद लश्करी.